गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 15 को शुरू करने से पहले एक गर्मा गर्म खबर देना चाहता हूँ। एल्विश यादव जो है वो जाकर के सागर ठाकुर को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। रीजन इसके पीछे का जो है आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देना चाहता हूँ। बिग बॉस OTT सीजन 2 में जो है एल्विश यादव भी थे और उस वक्त में जो है इन्होंने कुछ कह दिया था और उसी को लेकर के जो है वो कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही थी कि उनको नहीं लगता है कि वो किसी भी तरीके से एल्विश यादव को जीतना चाहिए, उससे ज्यादा डिजर्विंग और भी कंटेस्टेंट है। और इसी चीज को लेकर के जो है दाहू नाम के कोई क्रिएटर है यूट्यूबर, उनके साथ में हो जाती है तूतू मैम, जो कि ट्विटर पे चल ही रहा होता है और उस ट्विटर को देख करके जो है वहाँ पे एल्विश यादव भी जो है रिएक्ट कर देते हैं, और जिसके रिप्लाई में मैक्सटर्न यानी सागर ठाकुर कह देते हैं कि देखो भाई मुझे तो लगता है अभी भी जाहिलों की और गवारों की जो एक आर्मी है वो अभी भी जिंदा है, और इसी चीज को लेकर के जो है बहुत लंबा खिंच जाता है मामला। ये खबर जो मुझ तक पहुंची है सबसे पहले वो पहुंची है किरण दत्ता के वजह से, जो कि बंगाली के कैरी मिनाटी है जिनको बोंगाई के नाम से जाना जाता है। वो ये शेयर करते हुए कह रहे थे कि मुझे पहले से पता था ये बंदा जो है सिर्फ गुंडा बनना चाहता है, इनको पॉलिटिक्स में जाना है, इनको इन्फ्लुएंसर बनने से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हीं को देख करके बहुत सारे लोग जो है इनको आइडियल मानते हैं और इनको जो है अपना रोल मॉडल मानते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? भले से उस पर जो है स्नेक का जहर निकालने का केस हो या कोई और भी जितने भी केसेस होते हैं, उन सभी चीजों में कभी भी इस पे जो केस नहीं होता और ये आराम से निकल आते हैं। सो बंदा हाजिर है और एपिसोड नंबर 15 गर्मा गर्म खबर के एपिसोड नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े और इंटरेस्टिंग से अपडेट से बॉलीवुड से रिलेटेड, साउथ मूवीज के रिलेटेड और बहुत बड़े बड़े न्यूज है, तो स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना वरना कोई इंटरेस्टिंग सा अपडेट आप भूल जाओगे जो अभी तक आपने किसी से सुना नहीं है। सो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बोंधु भाभी करके एक सॉन्ग है जो कि बंगाली फिल्म से आ रहा है, बंगाली फिल्म का नाम है ओती उत्तम, और इनका मैं खास करके ट्रेलर देख के ही हिल चुका था कि जो कि आज से 80 साल पहले जितनी मूवीज आई थी ब्लैक एंड व्हाइट में आई थी और उत्तम कुमार जी उसमें मेन लीड में रहा करते थे, भाई उनका वो मैजिक को जो है कैसे इसमें रिक्रिएट किया गया है, उनके फुटेजेस को यूज किया गया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और मैं जानना चाह रहा था, काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे जाके बताया भी कि आखिर ये मूवी कैसे बनी होगी और कैसे इसके सारे शूट्स किए गए होंगे। अब जो है मुझे और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जब एक गाने को शूट किया गया, मतलब गाना रिलीज हुआ है, मैं वही सोच रहा था कि अब इस गाने को कैसे शूट किया होगा। भाई मेरे हिसाब से जो है ना पूरे फिल्म को देखा होगा किसी ने, जैसे मीम के लिए करते ना कि मीम देखते और करते, तो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ उठाने के बाद इस पे एक स्टोरी बुनी गई होगी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल स्टोरी लग रही है जब ये मूवी आएगी। तो भाई मैं सबसे पहले जाकर के ये मूवी देखने वाला हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आप अपना रिएक्शन कमेंट में बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है आशिकी 3 को लेकर के। अब तक जितनी भी चीजें सुन रहे थे आशिकी 3 को लेकर के, वो सारी चीजें गलत साबित हो जाती है क्योंकि टी सीरीज ने ऑफिशियली जाकर के कह दिया है कि आशिकी 3 हम नहीं बना रहे, जो फिल्म बन रही है वो है तू है, तू ही है आशिकी, तू ही है आशिकी, आशिकी 3 नहीं है। तो भाई दिमाग से निकाल दो, अब जो है बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस फिल्म को लेकर के, मुझे अभी भी लग रहा है, देखते आगे क्या होता है। अचानक से 2 दिन पहले ओम शांति ओम जो है बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी, उसके बहुत सारे डिलीटेड सीन जो है ऑलरेडी, मैंने जब ओम शांति ओम आई थी उस वक्त में जाकर के यूट्यूब में बार बार देखा करता था साइबर कैफे में जाकर के, तो भाई वो सारे डिलीटेड सीन उसी वक्त डाले हुए थे और उसी सारे सीन्स को लेकर के अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए लोग। और एक जो है जापनीज पोस्टर भी जो है लोगों के हाथ लगा है, वो भी वायरल चल रहा है, और शाहरुख खान के बारे में ये बताया जा रहा है, ये बंदा हमेशा से टाइम से आगे चला है और कभी भी जमाने से पीछे नहीं चला है, तो इस बंदे के लिए तो भाई हैट्स ऑफ। आपका क्या कहना कमेंट करके बताओ। ओके, रिसेंटली अभी जो है क्रिकेट मैच हुआ था जिसके अंदर में सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, यहां तक के एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी थे जो कि ऑपोजिट टीम से खेल रहे थे। मुनव्वर फारूकी ने जाकर के भाई सीधा सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, जो कि भाई मेरे लिए बिलीव करने लायक नहीं है। अगर वो फुटेज ओरिजिनल है और सच्ची में हुआ है तो भाई गॉड गॉड है भाई सचिन तेंदुलकर, भाई उनको कैसे करके आउट कर दिया भाई। ठीक है, होता है, खेल है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद आगे का एक फुटेज हाथ लगा जो कि ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, वो ये था कि एल्विश यादव जो है लप्पू लप्पू सा बॉल दे रहे थे और उसको जो है बड़े हल्के में ले रहे थे मुनव्वर फारूकी। देख के तो ऐसा लग रहा था कि एल्विश यादव ने कभी भी क्रिकेट को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाया था उसके तहत भाई वो भाई साहब आउट हो गए, भाई साहब ने दिया एक दमदार सा छक्का और वो जा करके हो जाता कैच और हो जाते आउट। उसके बाद से जो असली गर्मा गर्म खबर शुरू होता है वो ये है कि सारे लोग जो है एल्विश यादव के खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि वो मुनव्वर फारूकी के साथ में बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे और एक फ्रेंडली सा नेचर दिख रहा था, अच्छे से हंस खेल के बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में सेल्फी वगैरह लिया जा रहा था, तो भाई उसको देख करके सबने एल्विश यादव को फेक हिंदू कहना शुरू कर दिया।
इस मामले में भाई मैं साथ नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई यार जब कोई ऐसे जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे जाकर के खटास तो नहीं रखते, जो भी रहता है क्लियर करने की कोशिश करते हैं, फिर कम से कम उस वक्त तक के लिए तो भाई एक दूसरे के साथ में अच्छे से बिहेव करते, भले से वहां से निकलने के बाद फिर से एक दूसरे को ट्रोल करने लग जाए, नोबडी नोज, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए था। अब इस चीज को लेकर के यार किसी को ट्रोल करना सही नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है आर्यन खान। आर्यन खान एंड एसआरके जो है फिर से बावा उल, पता नहीं बहुत अजीब सा नाम है यार, अपने बेटे का जो है एक ब्रांड लॉन्च कर रहे थे, जैसे लास्ट टाइम पे एक क्रॉस बना करके इस बार फिर से जो है लॉन्च करते हैं, और इस बार जो है सुहाना खान भी साथ में है, और बीच में एक आता है भाई डिज्नी का लोगो, वो डिज्नी और ये जो आबावुल अजीब सा नाम है, ये दोनों जब मर्ज होते हैं तो भाई वो दिखाया जाता है और काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो ठीक है यार, इट वॉज जस्ट एन एड। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर पे, क्योंकि एड की ही बात हो रही है, तो अभी आमिर खान बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे और अचानक से लोग सोच रहे थे कि इनकी नेक्स्ट मूवी के बारे में शायद ये कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग लुक आ रहे थे। वहीं पे दर्शिल ने एक फोटो पोस्ट कर दिया था कि 16 साल के बाद आमिर खान सर के साथ में दोबारा से कोलैब कर रहा हूं, और उसी वक्त मुझे शक हो गया था कि ये सिर्फ एक मतलब एडवर्टीजमेंट होगा, और वही एडवर्टीजमेंट होता है एज यूजुअल भाई, ये थम्सअप का एड निकला है जिसके अंदर में चार्ज योर बॉडी चार्ज योर माइंड पता नहीं कुछ भी आता है यार। तो भाई यही था, कुछ नेक्स्ट मूवी नहीं थी। वैसे नेक्स्ट मूवी का नाम है सितारे जमीन पे, क्या पता ये सीक्वल नहीं, मुझे नहीं लगता सितारे जमीन पे ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी तक कहानी के बारे में पता नहीं चला, पर सितारे जमीन पे इज द नेक्स्ट मूवी फॉर आमिर खान। ठीक है, चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, वो है वॉर 2 ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR को लेकर के। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, वॉर 2 में जो है एंट्री सीन होने वाली है विथ अ लॉट ऑफ एक्शन, और उस एक्शन में जो है ऋतिक रोशन तलवार का यूज करने वाले हैं, उसकी शूट चल रही थी। इसके अलावा जूनियर NTR की अगर बात की जाए तो उनको क्लियर कट नेगेटिव रोल नहीं दिया जा रहा है, एक तरह का डार्क कैरेक्टर होगा, जैसे कि अपने जिम पाजी थे, ओ भाई जॉन अब्राहम की बात कर रहा हूँ, पठान में जिम, हाँ उस भाई साहब का जैसा रोल था, और उसके ऐसे फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ कैरेक्टर प्ले करने वाले जूनियर NTR। और फ्यूचर में जाकर के ऐसा हो सकता है कि जूनियर NTR को एक सोलो मूवी मिल जाए स्पाई यूनिवर्स के अंदर में, और वो सारे जितने भी स्पाई यूनिवर्स की मूवी रहेगी उन सबको कनेक्ट करते हुए जाएंगे, सबको क्रॉस ओवर करेंगे, पर अभी यही है कि इनको पूरी तरह से नेगेटिव नहीं रखा गया है, और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने को। पर मुझे एक बात बताओ, अचानक से जूनियर NTR को एक के बाद एक फिल्म कैसे मिलने लग जा रही है भाई, समझ नहीं आ रहा है। लगता है RRR जो है लोगों के ऊपर में ज्यादा छा गया है, और उसके बाद से जो है सब भरोसा करने लग चुके हैं जूनियर NTR की मूवीज जो भी आएगी भाई 80 होगी, जैसे कि देवरा भी इतनी बड़ी मूवी थी। इसके अलावा जो है डॉन 3 के अंदर में भी सब सोच रहे थे कि भाई जूनियर NTR हो सकते हैं यहाँ पे विलन के रोल पे, तो भाई बहुत सारे काम लेकर के आने वाले फ्यूचर में, उसकी भी लिस्ट लेकर के आऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर है आलिया भट्ट के बारे में। आलिया भट्ट जो है स्पाई यूनिवर्स YRF के स्पाई यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाली है, जिसमें उनका एक सोलो मूवी होने वाला है जिसका नाम होगा एजेंट हसीना। सॉरी, मैंने कल के दिन में शो टाइम देख लिया, वहाँ पे नोनी राय को नोरा फतेही के अवतार में देखा, और वो लड़ रही थी एजेंट हसीना के नाम पे कि एक स्पाई मूवी करूँगी, एक एक्शन मूवी करूँगी, मेरी इमेज चेंज होगी, आइटम सॉन्ग में से निकल करके अपना एक दुनिया बनाना चाहती है। पर एजेंट हसीना नहीं होने वाली है, आलिया भट्ट जो है स्पाई यूनिवर्स में एक सोलो मूवी करेगी, जिसमें जो है वो शाहरुख खान के अंडर में होगी, शाहरुख खान एक तरह से मेंटोर होंगे, और लड़कियों के स्पाई यूनिवर्स चलेगी, तो ऑफकोर्स शाहरुख खान को ही रखना होगा, लाइक चक दे इंडिया के टाइम पे हुआ था। सो दैट वाज द न्यूज, एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में। जानवी कपूर का जो है नेम रिवील हो गया देवरा के अंदर में, वो क्या होने वाला उनका नाम हुआ है थंगम। हाँ, काफी एक्साइटेड हूँ मैं सुनकर के भाई, मुझे बस वो जो ग्लिम्स देखने को मिला ना उससे मैं पागल हुआ हूँ, मुझे स्टारकास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे भाई एक कड़क सा कंटेंट चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद से एक्टिंग अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होगी, तो वैसे ही लोग फैन बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, जो आता है सो बोल देता हूँ। पढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है सालार मूवी की तरफ से। सालार का पार्ट 2 जो है वो शुरू होने वाला है 2025 से, उसके ऊपर में काम करना शुरू कर चुके हैं। शोरियांगा की जो कहानी लास्ट में छोड़ी गई थी कि भाई एग्जैक्टली ये देवा है कौन और कौन से ग्रोह से आता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, उसके ऊपर में काम करना शुरू कर चुके हैं। अब बताओ यार, शुरुआत में कह रहे थे कि इतनी बड़ी मूवी है कि मुझे 2 पार्ट में बनानी पड़ेगी, अभी तक इनके पास में रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, अपने लोग देख लेंगे भाई, आने दो, वो भी देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और बात अगर प्रभास की ही चल रही थी तो बता देता हूँ, प्रभास की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर मूवी आने वाली है, जो कि है एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी के साथ में, और फिल्म का नाम है स्पिरिट, जिसके अंदर में वो कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं। भाई देखो, मैंने एक चीज तो नोटिस किया है, बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर जो है अपनी एक फेल मूवी देते हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है 100% का, वो दे जाते हैं। जैसे कि लियो से बहुत ज्यादा उम्मीद थी,
पर वो एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती। तो वहाँ पे जा करके क्या होता है, आपको पता है लोकी के साथ में लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, वहीं पे भाई राजकुमार हिरानी ने कभी भी ऐसा मूवी तो नहीं दिया जिसको देखने के बाद आप डाउन फील करो या बोले यार सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। वही बंदा जो कि थ्री इडियट बनाया था विधु विनय चोपड़ा के साथ में कॉम्बो मिल करके, वो इंसान ने भाई डंकी दे दिया भाई, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पाती है। इसके अलावा भाई नील प्रशांत, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था, होमबाइल फिल्म से कभी उम्मीद नहीं कर सकता था भाई कि वो एक्सपेक्टेशन पे खरी ना उतरे, उनके साथ भी हो गया। अब लगता है संदीप वांगा रेड्डी की बारी है, वो स्पिरिट को लेकर के यही करेंगे। और इस चीज को करने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स तो माहिर है, जैसे कि वहां पे देख लो विजय, यहाँ पे SRK और अभी जो है प्रभास। प्रभास ने नील को डुबाया, अब संदीप वांगा को डुबाएंगे। देखो यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा उम्मीद तो कर रहा हूँ कि ना हो, पर क्या करें यार, तुम्हारी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट थिंग। आप लोगों को क्या लगता है इस चीज़ में, ऑनेस्ट होकर के गाली देना हो, जो भी देना हो, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या है लिख कर बताना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है सूर्या की तरफ से। सूर्या जो मेरा फेवरेट सुपरस्टार है साउथ का भाई, वो उस बंदे का नेक्स्ट मूवी आ रहा है जिसका नाम है करना, और ये मूवी जो है पैन इंडिया पे आ रही है। भाई अब पैन इंडिया पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है, लेकिन क्या करें यार, सूर्या की जितनी भी मूवीज़ होती है हटके होती है, एकदम हटके, और उनकी मूवी आज तक मेरे लिए तो फेल नहीं हुई है। मुझे मतलब इंटरटेनमेंट मिल जाता है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। मैं जब वो जुड़वा नंबर वन आया था मैं तब से देख रहा हूँ, फिर सूर्या जो अपना वो सिंघम वो आया था भाई, मैं शॉक रह गया कि उसको रोहित शेट्टी ने कॉपी कर लिया। भाई ठीक है, अच्छी बात है, आई होप कि ये जो करना मूवी है ये भी वैसे ही हो। और ये फिक्स हो चुका है, नेक्स्ट मूवी जो है वो करना है सूर्या की, जो कि पैन इंडिया पे रिलीज हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है विकास बहल की। हाँ, विकास बहल जो है अपना नेक्स्ट मूवी लेकर के आ रहे हैं, वो है 1947 के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक लड़ाई हुई थी, जो बैटल थी नवशेरा की बैटल, उस बैटल के ऊपर में भाई स्टोरी लिखने जा रहे हैं। भाई बख्श दे ओ रब्बा, बख्श दे मैनू। भाई क्या चल रहा है, मतलब कोई एक हिट हो जाए, एक मतलब पठान आया वो इंडिया पाकिस्तान पे हिट हो गया, टाइगर आया भाई उस पर एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी सी लड़खड़ा सी गई, उसके बाद से गदर भाई अचानक से इतने सालों के बाद आते एकदम सा दहा करके मार जाते भाई 500 करोड़। तो भाई इसी चीज़ को लगता है लोगों ने सोच लिया इंडिया पाकिस्तान का बहुत काम करा, भी फिर से बनाते यार कुछ नया लेकर आ जाओ, बस हो गया बस। एक चीज़ एक टाइम के बाद से ना कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा रिपीटेड फील होती है कि भाई ट्रेलर तक देखना गवारा नहीं होता। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताओ। वैसे भी OTT पे जितने भी वेब सीरीज आती है उसमें भी वही हो रहा होता है, फ्रीलांसर करके एक था उसमें भी वही हो रहा है, कमांडो का 3 लेकर आए वो भी वही है। भाई कितना देखेंगे इंडिया पाकिस्तान, हाँ कितना। ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ पे। नेक्स्ट गर्मा गर्म जो खबर है वो है मैदान के ट्रेलर को लेकर के। भाई बहुत बेसब्री से इंतजार था इस ट्रेलर का, और ये जब ट्रेलर आई है तो देखो ऑनेस्ट होकर के बताने वाली बात है, मैं वही बता रहा हूँ, ये गोल्ड और इसके अलावा जो है अपना चक दे इंडिया, इन दोनों का मिक्सअप है। लिटरली चक दे इंडिया का वो सीन तो याद आ जाता है, खास करके जब वो अपना ड्रेसिंग रूम के अंदर में जाकर के स्पीच देने वाला मोमेंट आता है कि भाई तुम्हारी सोच हमारी सोच एक है, हमारा दिल एक है, हमारी समझ एक है, तो आज मैदान में उतरेंगे 11 लेकिन दिखेंगे सिर्फ एक। भाई वो डायलॉग सुनते ही मेरे को दिमाग में आता है ये चक दे इंडिया वाला शाहरुख खान जैसे जाकर के कहते हैं 70 मिनट है तुम्हारे पास, आज मुझे नहीं पता तुम जीतोगे या हारोगे, बस जी जान लगा देना खेलने के लिए। तो भाई पता नहीं कुछ ऐसा वाला मोमेंट हो जाए। गोल्ड एक अच्छी मूवी थी, चक दे इंडिया एक अच्छी मूवी थी, वहीं पे भाई मैदान क्या वाइब दे करके गई है, हर चीज एकदम वाइड एंगल पे सारी चीज रखी गई है, जो एरा दिखाया जा रहा है भाई वो भी जबरदस्त लग रहा है, एक पहचान बनाने वाली बात चल रही है। स्पोर्ट्स को लेकर के मैं सच बता रहा हूँ घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन जब इसको सिनेमैटिक वे में दिखाया जाता है तो कैसा भी स्पोर्ट्स हो जो कभी आपने देखा भी ना हो वो भी समझ में आने लग जाता है। लाइक हॉकी, हॉकी को यार किसी को मुझे तो नहीं पता था हॉकी, मुझे फुटबॉल पता है, क्रिकेट पता है, वॉलीबॉल पता है, भाई ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन हॉकी को लेकर के कुछ नहीं, बस हॉकी स्टिक से धोने का काम करते थे। ओके तो बात यह है कि भाई मैदान का जो ट्रेलर आ चुका है, ईद में जाके रिलीज हो रही है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ पिटने वाली है, मैदान हिट होने वाली है, लिख के देता हूँ सच्ची बता रहा हूँ, वरना ये वाला वीडियो डिलीट कर दूंगा, नहीं तो कम से कम ये वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा। कमेंट करके बताओ तुमको क्या लग रहा है, डिलीट करना पड़ेगा या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में। मैंने शैतान मूवी देखी है, उसका जो है आपको रिव्यू मिल चुका होगा, नहीं देखा तो जा करके देखो, मास्टरपीस मूवी है, देख करके मजा आ जाता है, दृश्यम वाली फीलिंग दे जाती है, आपका माइंड ब्लास्ट कर जाएगी, आपको अंदर से ऐसा लगेगा भाई मैंने कितना क्रीपी चीज देख लिया है। आर माधवन का परफॉर्मेंस भाई एकदम फाड़ रहता है, तो भाई मैंने इसका रिव्यू दिया है, आई होप कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा बोल करके मैं बता रहा हूँ, जा करके देख लो भाई
मिल जाएगा या फिर यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, और वो है संजय लीला बंसाली की नेक्स्ट मूवी लव एंड वॉर को लेकर के, जिसके अंदर में आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और विकी कौशल होने वाले हैं। ये तीनों को मिला करके एक मस्त सा लव ट्रायो बनाया जा रहा है, जिसको देखने में बड़ा मजा आने वाला है बिकॉज ऑफ रणवीर कपूर, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है कुछ ऐसा है जिसको आप जज नहीं कर सकते, ये अभी फिलहाल तक ऐसा बताया जा रहा है। और संजय लीला बंसाली जो है इस मूवी को ऑन द फ्लोर लेकर के जाने वाले हैं नवंबर में, यानी 2024 के नवंबर में ये स्टार्ट हो जाएगी इसकी शूटिंग, और उसके आसपास में और कोई मूवी नहीं करने वाले हैं रणवीर कपूर, तो जिसकी वजह से पूरी तरह से खुद को डेडिकेट कर चुके हैं, और हमें ये 2025 के क्रिसमस में देखने को मिलेगा ये मूवी। सो बी रेडी, और संजय लीला बंसाली मूवीज कैसे बनाते बताने की जरूरत नहीं है, मूवी कैसी भी हो यार विजुअल ट्रीट तो बहुत जबरदस्त रहता है, आपको देख करके मजा आ जाता है कि हाँ यार आंखों को ट्रीट दिया हमने, हाँ कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो आई एम सो एक्साइटेड, आप बताओ आपका आपको क्या लगता है ये मूवी कैसे करने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर की तरफ में, जो लोग पुष्पा भाई के बहुत बड़े फैन है, झुकेगा नहीं साला बोलते रहते, उनके लिए है कि पुष्पा 2 को लेकर के भाई रश्मिका मंदाना ने ये अपडेट दिया है कि हमारे पास में जो अभी कहानी है ना पुष्पा 2 की, वो पुष्पा 1 से कहीं ज्यादा बड़ा है, ड्रामा भर गए, उसके अंदर भी एक्शन आपको जबरदस्त मिलेगा, तो ये पुष्पा 1 से बड़ी होने वाली है, ये मैं कह रही हूँ, मतलब रश्मिका मंदाना ऐसा कह चुकी है। तो आप सोचो ये मूवी कैसी होने वाली है, मुझे लगता है थोड़ा और टाइम ले लो भाई, लेकिन थोड़ा अच्छा से बनाओ, क्योंकि पार्ट 1 में 3 घंटा बहुत कम ऐसे सीन्स थे जिसमें मैं एक्साइटेड हुआ, एक्शन वगैरह भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेना, लेकिन थोड़ा अच्छा बना देना, क्योंकि पार्ट 1 3 घंटे का था और बहुत ही मुश्किल से ऐसे सीन्स थे जो मुझे एक्साइट कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ एक्शन सीन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज ऑफ फहद फासिल की एंट्री के बाद से मैं एकदम पंप अप हो गया था, वहीं पे ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, दैट वॉज माई पर्सनल ओपिनियन, आपका कुछ अलग हो सकता है, कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, नेक्स्ट गर्मा गर्म खबर में बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाले हमें क्या एकदम पुद्दू समझते हैं। जिया शंकर ने अपना एक फोटो रिलीज किया, और फोटो को रिलीज करके कहती है देखो मैं विदाउट मेकअप कैसी दिख रही हूँ, दिस इज माई विदाउट मेकअप विदाउट फिल्टर वाला फोटो। अरे 250 वाला फेशियल करा के मुंह पे उसको दिखाने को नहीं बोलते कि तुमने बिना, क्या बोलो यार, आपको क्या लगता है ये है या नहीं वैसा, बताओ क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी आके आंडे चांड बंड डाल दो पोस्ट और बोलो बिलीव करने के लिए, नहीं कर रहा मैं बिलीव। सो दिस वाज द गर्मा गर्म खबर फ्रॉम द एपिसोड नंबर 15। एपिसोड नंबर 16 भी लेकर के बहुत जल्द आऊंगा, उससे पहले भाई और भी सारे वीडियोस आएंगे जिसमें रिएक्शंस होते हैं, रिव्यूज होते हैं, OTT का हो या फिर फिल्म का, सारी चीजों का लेकर के आता हूं, तो चैनल पे बने रहो यार। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।